वाह, थैंक यू सो मच। मैं भी आ रहा हूँ। ओहो, क्या करते हो यार? अपना तो तय होके बैठे हैं पैसा कमाने के लिए। मांस मदिरा से दूर रहे ना, वो तो हम लसन से ना दूर रहे। जितने बनेंगे वो 7 दिन तक दूर रहे। फिर पूरे ग्रामवासियों को, पूरे इलाके को सूचित किया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल केतन नोला व्लॉग्स। तो मैंने आपको बताया था कि यार इस सीज़न हमारे यहाँ प्याज बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी गर्मी इतनी पड़ रही है ना, और उसकी वजह से वो डबल नुकसान में जा रहा है। तो यार इतना प्याज अभी ख़राब निकला है, अभी छटाई करी है, और इसमें अभी बहुत सा प्याज है जो कि सड़ गया है। बट यार अब क्या कर सकते हैं, छाटना पड़ेगा, तो वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अभी नाश्ता करते हैं, बिकॉज भूख लगी है बहुत ज़ोरों की। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, आप बने रहिए। यूँ गया यूँ आया, तब तक एक छोटा सा काम कर लेना प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिसने भी नहीं किया। ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ जेरी ने हमारी चौकसी कर दी है। जेरी बहुत भौंक रहा था, हमें लगा कोई सांप वाप है तो हम देखने आए, बट जेरी ने हमारे साथ गेम खेल दिया है। पता नहीं यार था या नहीं था, बट यार जेरी जब भौंकता है इस तरीके से तो यार कहीं ना कहीं सांप ही होता है, या तो ये कहीं यहीं गजबजी गया है सांप। गजबजी गया मम्मी मेरी हाल में। बाकी इसे देखो अभी भी ये पार्क में तो है, कहीं ना कहीं तो इसने कुछ देखा है, अब पता नहीं देखा क्या है। कौन सा ये डब्बा? यहाँ तो नहीं है। तो चलो कोई ना यार, नाश्ता करते। मैं तो नाश्ता करते करते आ गया, बट है नहीं शायद अभी। तो यार कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे गांव की मूर्ति खंडित हो गई थी। इनफैक्ट नई मूर्ति आ भी गई है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और अब होने वाला है वहाँ भागवत। और हाँ, जो भागवत होगा, कब होगा, कितने दिन का होगा, पूरा इसको डिसाइड करेंगे। तो वहीं जा रहे हैं, पूरी मीटिंग है अभी, तो देखते हैं क्या होता है, वहाँ का निष्कर्ष निकलता है। बाकी उससे पहले तो मुझे अभी देख लिए कुछ सामान लाने जाना है, कुछ खाने की व्यवस्था करनी है उनके लिए। तो फटाफट से करके आते हैं, उसके बाद सीधे मिलते हैं आप लोगों से मीटिंग में। गर्मी से थोड़ा सा रिलीफ है, बिकॉज हवा चल रही है, हवा चल रही है अच्छी, तो फिर थोड़ा रिलीफ है, वरना यार दिन में यार बहुत गर्मी जा रही है। बाकी अभी मीटिंग में जाना है फटाफट से, पहले चेक करते हैं वैदर। हाँ, तुम बना रहे मोमो कर ये लीजिए। वाओ, थैंक यू सो मच। मैं भी आ रहा हूँ। ओहो, क्या करते हो यार? गाइस ये देखो, देख रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आ रहा हूँ मैं, ठीक है, बोल देना घर में, फटाफट से चलते हैं, देर मुझे हो गई है। लेट्स गो। मैं तो थोड़ा लेट हो गया मीटिंग में, बाकी लास्ट में बताऊंगा पूरा निष्कर्ष है क्या करके इस मीटिंग में। कि धन कुछ नहीं है, धन मत कमाओ, धन ही बुरी चीज़ है, और मैं तय होके बैठा हूँ तो तुम मेरी क्यों सुनोगे यार? तुम कहोगे अपना तो तय होके बैठे हैं पैसा कमाने के लिए। हम सीधी मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ यार, इसलिए मैं दक्षिणा दूँगा, पर वो दक्षिणा कम हो गई सब तो मेरे मुँह से नहीं निकलेगा, चाहे वो आम सोचते हम इतने तक। और कभी ऐसा वाद अपवाद आया ही नहीं, गलत लगे तो आप बताओ। नहीं सर, अब हमारा कहना भी सही है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, देखो काम कर रहे हो, तो वो पैसा जमा करने की जितनी माइकी है तुम्हारी थोड़ा है, इसका टेंशन। तो गुरु हमें तुम वो लिख के दे दो पहले, तुम 15 को ये है, 16 को है, मैं उसका पहले वो चार छपा लेता हूँ, उसके बाद प्रिंटर को दे दूंगा। उसमें क्या क्या चीज़ साल साल तो तुम्हें आठवीं सामग्री क्या लगेगी ना, विसर्जन की और स्थापित की, वो आप सामान वामान हमें दिखा दीजिए। मैं आपको एक ही लिस्ट देता हूँ, उसमें दोनों के काम कर दूंगा। ठीक हो गया। तो यार मंदिर का निरीक्षण करने जा रहे हैं, बाकी जो भी अभी है अभी बात करेंगे इसमें आराम से, बाकी हमारे पंडित जी हैं। उनको ये भी बता दीजिएगा कि जजमान वगैरह ना पहले दिन जैसे उन्होंने कहा वो मांस मदिरा से दूर रहे ना, वो तो लसन से दूर रहे।
जितने बनेंगे वो 7 दिन तक दूध रहे, जो बन गए वो भी, और जिन्होंने बनना है वो भी, और उसमें थोड़ा सा सयाने रहे तो और ज्यादा बेटर है। 60+ वाले वो 55+ तो बने, हाँ नहीं कम से कम बहुत जो अच्छा होगा जी, अच्छा होगा, किसी को रोकना नहीं है, किसी को रोकना नहीं है। पहले दिन के यजमान आप ढूंढे रखना जो मूर्ति प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके बाद मैंने गद्दी में बैठती, फिर मैंने व्यवस्था अपने लेवल से संभाल ली। पहले दिन हमें टाइम ही नहीं मिलेगा, हमें ये काम करना है, तो दूसरे दिन हम कलश यात्रा से कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी फिर करेंगे आप भेज देना, मैं आज ही दे भी देता हूँ। तो बताइए कार्यक्रम कब से कब तक है? कार्यक्रम 14 की रात, अभी ब्यास जी आए थे हमारे पास, तो 14 की रात बोल रहे थे कि हम यहाँ पूरी टीम के साथ पहुँच जाएंगे, और 15 से हमारे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो 10 दिन का हमारा देवी भागवत होगा, 15 से 25 10 दिन का होगा, 11 दिन नहीं होगा फिर, 11 दिन भंडारा होगा। अच्छा हाँ, 11 दिन भंडारा होगा ना, चलिए ठीक है। और पूरी लिस्ट आप तैयार करेंगे कार्यक्रम की? अभी कार्यक्रम की लिस्ट अभी हमारे जो ब्यास जी आए हैं पंडित जी वो करेंगे। अच्छा, उनके अकॉर्डिंग हम फिर पूरे ग्रामवासियों को, पूरे इलाके को सूचित किया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा जी। ठीक है, चलिए ठीक है। और हाँ, पूरा निमंत्रण की पूरी एक लिस्ट होगी, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस बारे में, तो वो भी तो घर चलते हैं। बाकी जैसा भी होगा इस बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स मैंने आपको अभी दे दी है, और जो भी बची बची रहेगी वो आपको दे देंगे हम अपने माध्यम से। ठीक है, तो यार पापा दे रहे हैं गार्डन में पानी, बिकॉज यार दिन के टाइम पर ना पानी आ नहीं रहा है। ये सही हो रहा है कि वहाँ पर ठंडा ठंडा, और वैसे भी यार सुबह के टाइम में पानी थोड़ा कम ही आता है, तो गार्डन के लिए तो हो नहीं पाता है, देना भी ज़रूरी है, बिकॉज घास एकदम सूख चुकी है। बाकी आपको मम्मी ने बताया कुछ आज मीटिंग के बारे में? मीटिंग थी करके कहाँ? ये मंदिर में जो मुंह है ना, पूरी स्थापना उसके बाद तो सब डिसाइड हो चुका है। बाकी आप लोगों को तो मालूम खैर वैसे है ही, 15 तारीख से 25 तारीख तक 10 दिन का होगा भागवत। 25 तारीख को भंडारा होगा? नहीं, 25 तारीख को होगा भंडारा। हाँ, 10 दिन होगा भंडारा, 11वें दिन। दिन हाँ, और हाँ खाना पीना खा लिया अच्छे से, और जो पहाड़ियों की स्वीट डिश होती है गुड़ वो भी चेक लिया है। बाकी इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और हाँ आगे जो भी अपडेट होंगे मंदिर के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और जो भी पास के हैं नियर बाय के हैं वो आना जरूर। तो मिलते हैं आपसे कल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फैमिली ध्यान रखिए, सी यू सून, बाय, जय हिंद, गुड टू गो। अरे फेस ना बहुत चमक रहा है वैसे, है ना, चलो बाय।